जिनके सीनों में है वो हर्फ़े यकीन लिखेंगे। हमारी तकदीर और कोई नहीं लिखेगा, हम ही लिखेंगे। लहू के सब रंग ख्वाब बनकर हमारी आंखों में जागते हैं, सो जब भी देखेंगे अपने ख्वाबों से मुख्तलिफ तो नहीं लिखेंगे। सुखन के सब दिल नवाज लहजे कशीद कर लेंगे किश्त जहाँ से, फिर इनको तरतीब ताज़ा देकर कसीदाए गुलज़मी लिखेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। इमाम जयंती ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका मेज़बान राशिद अफाज आपके प्रोग्राम जहाने हैरत के साथ हाजिर खिदमत है। कहाँ से शुरू करें, बहुत सी बातें, बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। जब भी अपने प्रोग्राम के कंटेंट के हवाले से सोचता हूँ तो बहुत सी बातें जहन में आती हैं कि इस दफ़ा ये बात करूँगा, आपको ये बात सुनाऊँगा, ये बात करूँगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन पर बात करने का मज़ा आता है, जिनको सुनने का मज़ा आता है, जिनको याद करने का मज़ा आता है, और उस याद में एक ताजगी होती है हमेशा। आप अपने बुज़ुर्गों को याद करें, अपनी सोसाइटी के बड़े लोगों को याद करें, ऐसे लोगों को याद करें जिन्होंने इस दुनिया को बदल दिया हो, जिन्होंने अकेले एक सफ़र शुरू किया हो, उसके बाद लाखों करोड़ों लोग उनके हम सफ़र हो गए हों। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और ये लोग जो होते हैं ये हमारी सोसाइटी के लिए एक मशाल रात होते हैं, मीनार नूर भी होते हैं, और इनके होने से हमारी ये जो दम तोड़ती हुई इंसानियत, हमारी ये टूटी फूटी जो एक सोसाइटी जो है जिसपे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है और दिल करता है कि बस यहाँ से कहीं भाग जाए, कहीं चले जाए, कहाँ चले जाए, इन्हीं की वजह से तो यहाँ पर रहते हैं। इन्हीं का नाम आता है तो आंखें एहतराम से झुक जाती हैं, दिल में उदास पैदा हो जाता है और जी चाहता है इनसे मिला जाए। कुछ चले गए, कुछ जिंदा है। जो चले गए उनके साथ भी शायद बहुत से लोगों की मुलाकात हुई होगी और उन्होंने उनको जी भर के देखा होगा, उनकी सोबत का असर लिया होगा, उनसे बातें सुनी होगी। तो एक किताब जिसका मैं अभी शुरू में जिसका जिक्र किया आपके साथ, उसके लिखारी जो हैं वो एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं और मेरे फेवरेट इरफान जावेद। इरफान जावेद जो हैं वो तीन किताबें उनकी अभी तक मंजरे आम पे आई, उसमें जो जिस किताब से मैं आपको ये कुछ सुनाना चाह रहा हूँ वो तो है अजायब खाना, उसके अलावा दरवाज़े और सुरखाब। अजायब खाना में बहुत से मज़ामीन हैं, बहुत दिलचस्प किस्म के मज़ामीन हैं, आप पढ़ना चाहें तो आप ये किताब देख सकते हैं। तो जिस किताब का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये किताब इरफान जावेद साहब की तसनीफ़ है और उनकी तीन किताबें अजायब खाना, दरवाज़े और सुरखाब, ये तीनों किताबें पढ़ने वाली हैं और अपनी बुक शेल्फ में रखने वाली किताबें। आप ये किताबें मंगवाना चाहें तो इफ्तिखार बुक डिपो से ऑनलाइन किसी भी वक्त मंगवा सकते हैं, ये किताबें आपके लिए भेज दी जाएंगी। तो मैं ये बता रहा था कि वो कहते हैं कि गुलाबी जाड़े की एक सुबह हम ईदी साहब के सामने बैठे थे। ईदी विलेज के आंगन में गर्म नरम दोपहर और ईदी साहब मामूली खुनखवा में अपनी सफ़ेद दाढ़ी और धीमी मुस्कुराहट के साथ हमारे साथ हमारे सवालों के मुख्तसर से जवाब देते थे। उनकी आदत थी कि वो लंबी बात बहुत कम करते थे और कोशिश करते थे बस मुख्तसर अल्फाज में अपना मुद्दा बयान हो जाए। उनके एक जवाब ने हमें दम बखुद कर दिया और हम में से बेशतर जो महफिल के जो शुरका थे वो हैरान हो गए उस बात से। ये तकरीबन 10 बरस उधर का वाकया है। कराची में एक इदारे के तरबीती प्रोग्राम के तहत बहुत से आपके डिपार्टमेंट्स जो हैं कराची में एक तरबीती इदारे के कोर्स के दौरान, जहाँ पे बहुत से इदारे जमा हो जाते हैं और वो अपने अपने कुछ डेलीगेट्स को भेजते हैं कोर्स के लिए, तो वहाँ पे ये मुकालमा इदी साहब के साथ हुआ। तो उसमें रेलवे के अकाउंट्स के, आपके पोस्ट ऑफिस के और बेशुमार दूसरे महकमों के जो शुरका थे वो सब बैठे हुए थे। तो तरबियत के दौरान उनका तरीकाकार ये होता है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, मुख्तलिफ इदारों से वो बहुत आला दिमाग के लोगों को बुलाते हैं और उनसे वो लेक्चर भी लेते हैं और कोई नई बात समझाते हैं। तो उनको फिर कुछ इदारों का दौरा भी करवाया जाता है उस दरमियान में। इन्हीं दौरों में एक दौरा जो था हमारा वो ईदी विलेज सेंटर का दौरा था। ईदी विलेज सेंटर ईदी साहब का एक बहुत बड़ा मनसूबा जो सुपर हाईवे कराची के ऊपर वाक़ है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा अहाता और उस आते के मुख्तलिफ कोनों में, मुख्तलिफ गोशों में, मुख्तलिफ लोगों के लिए, जैसे मजदूर हैं, जैसे बूढ़े लोग हैं और वो बच्चे जिनको लोग अपना गुनाह समझ के कूड़े क्रिकेट के ढेर पे फेंक जाते हैं और उनको उठाने वाला कोई नहीं होता, ईदी साहब उनको नला के धुला के अपने पास लेके आते थे, उनकी उनकी खुराक का इंतजाम करते थे,
और उनकी वल्दियत में अपना नाम लिखवाते थे। तो ये सब कुछ वहाँ पे होता है उस ईदी सेंटर के अंदर। तो कहीं उस हमने देखा कि वहाँ पे कहीं लावारस माँ को चम्मच से यखनी पिलाई जा रही है, किसी बूढ़े को दवाई दी जा रही है, छोटे बच्चे खाना खा रहे हैं, और वो जो छोटे बच्चे थे जो लावारिस थे वो सब ईदी साहब को अब्बा कहते थे। तो ये सब कुछ वहाँ देखने का इत्तेफाक हुआ। जब हम उस आते का दौरा मुकम्मल करके उसके सेंटर में बने सेन में आके बैठ गए, तो वहाँ ईदी साहब ऐसे बैठे थे जैसे बहुत पुराने दौर के कोई बुजुर्ग बैठे होते। लाचार और दुखी इंसानियत की हालत ज़ार और ईदी साहब से फरिश्ता सिफ्त इंसान जैसे इंसान को देख के हम सबके दिल नरम पड़ गए, और आप यकीन कीजिए हमारी आंखों में नमी आ गई। तो इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। आखिर में कुछ लोगों ने ईदी साहब से दरख्वास्त की कि ईदी साहब हम अपने दिली सुकून और इस में हिस्सा डालने के लिए हमें इजाज़त दी जाए कि हम अपने घरों या दफातर के करीब ईदी सेंटर्स में चंद घंटों के लिए कुछ वक्त गुजारें, तो हमें इसे दिली इत्मीनान भी हासिल होगा और दुखी इंसानियत की खिदमत भी हो जाएगी। ईदी साहब ने खामोशी से सबकी दरख्वास्त सुनी। जब सब लोग खामोश हो गए तो ईदी साहब ने सब पे गहरी भरपूर नज़र डाली और बोले, आप सब सरकारी मुलाजमीन हैं, दुखी इंसानियत खुद चल के आपके पास आती है, आपको हमदर्दी से उनके मसाइल हल करने चाहिए और उनके दुख दूर करने चाहिए। अगर आप अपने दफातर को ईदी सेंटर बना लें तो आपको किसी भी ईदी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। ईदी साहब ने इंतहाई सादा और मुख्तसर अल्फाज में एक इंतहाई चश्म कुशा हकीकत बयान कर दी थी। तो नाज़रीन, ये ईदी साहब से ज़्यादा इंसानियत के दुख दर्द को कौन समझता होगा। वो ईदी साहब हों, वो मैडम रुतफा हों, या वो मदर टेरेसा हों, ये इंसानियत की मिराज पे फायज लोग होते हैं जिनके होने से इस सोसाइटी में दुखी इंसानियत को एक उम्मीद रहती है कि हमारे साथ कोई खड़ा है, कोई हमारा दुख समझता है। तो मैंने एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया कि आप अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं, कहानियाँ भेज सकते हैं, इदारा मामूली सी तब्दीली के बाद उसको सुना सकता है। एक हमारे दोस्त हैं सुनने वाले, कराची से उनका ताल्लुक है, सलमान अहमद, उन्होंने अपनी कहानी भेजी मुझे। उन्होंने कहा इसको देखिए, और इत्तेफाक की बात थी कि उसका जो कंटेंट था वो भी ईदी साहब की ज़ात से मुतल्लिक था। तो मैंने सोचा कि मैं इसका इंट्रो तो तैयार कर रहा हूँ, इसका मैं ईदी साहब के हवाले से, तो चले ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कहने लगे कि मेरा कॉलेज का सेमेस्टर था, तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि मुझे फ़ीस चाहिए, मैंने सेमेस्टर के लिए पैसे जमा करवाने। तो वालदा ने पूछा कि कितने पैसे हैं। मैंने कहा जी 4,000 रुपया मेरे सेमेस्टर का है, वो मुझे आप दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे वो 4,000 रुपये दे दिए। तो मैंने वो पैसे लेके अपनी किताब में रख ली कि सुबह जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो फिर मैं बैंक जाके पैसे जमा करवा दूंगा। तो रात को सोया, सुबह उठा, नाश्ता किया, कॉलेज चले गए, और कॉलेज जाने के बाद दोस्तों में बैठे रहे काफ़ी देर, वो याद आया कि पैसे जमा करवाने। जब वो बैग खोला और तो उसमें जो उन्होंने बुक निकाली तो उस बुक में पैसे नहीं थे। वो बहुत परेशान से हुए, कहने लगे मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए कि ये क्या हो गया। तो मैं बहुत परेशान, मैंने दोस्तों को बताया तो दोस्तों ने कहा कि पैसे तो इस किताब में होने चाहिए। तो चंद एक ऐसे लड़के थे जिन पे हमें शुबा था, तो हमने उनकी तलाशी भी ले ली, तो तलाशी में वो पैसे नहीं निकले किसी के पास भी। बड़ी परेशानी। खैर, मैं कॉलेज से निकला और मैं जाके एक फुटपाथ के किनारे एक बेंच पड़ा था, मैं वहाँ पर बैठ गया। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेरे पसीने बह रहे थे, और मैं सोच में था कि मेरा सारा फ्यूचर तबाह हो जाएगा अगर मैंने पैसे जमा ना करवाए तो, मेरा सेमेस्टर पूरा नहीं होगा। तो इतनी देर में एक गाड़ी जैसे ये कैरी डब्बा जैसे होता है, तो वो उसने आके ब्रेक लगाए मेरे पास, तो उसमें से एक बुजुर्ग सूरत बाहर निकले। उन्होंने मुझसे कहा, लड़के पागल हो गए क्या, ये गर्मी में बैठे हो बुखार करवाओगे? तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो दरवाज़ा खोल के छलांग मार के नीचे आ गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें? मैंने कहा जी मेरे पैसे खो गए हैं। उन्हें क्या काय के पैसे थे? मैंने बताया कि मेरे सेमेस्टर के पैसे थे, कॉलेज की फ़ीस, तो वो मेरे लिए नहीं मिल रही, मेरे मैंने बैग में बहुत राशि ली है, मैंने किताबें देखी जहाँ मैंने पैसे रखे थे, तो पैसे मुझे नहीं मिल रहे। तो कहने लगे कि कितने पैसे थे? मैंने कहा जी 4,000 रुपये। कुछ देर सोचा, कहते चंदर आओ गाड़ी में आओ, गाड़ी में बिठाया, कहते ये सीट के नीचे हाथ मारो। मैंने सीट के नीचे हाथ मारा तो एक बैग सा था जैसे ये आटे का थैला, वो कहते हैं जैसे होता है, तो वो मेरे हाथों में आ गया। मैंने निकाला तो कहते इसमें से अपने पैसे निकालो, 4,000 रुपये ले लो इसमें से। मैंने जो पैसे निकालना शुरू किए तो वो 10-10 के, 20-20 के, बहुत मैले कुचले से, मुड़े तुड़े से नोट थे।
तो मैंने उनकी तरफ देखा तो कहते हाँ ये चंदा है, भीख के पैसे हैं, फिर क्या हुआ, जब तुम्हारे पास होंगे वापस कर देना, तो अभी तुम अपना काम चलाओ। मैंने सोचा फीस जमा करवानी है, चले जब मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं जमा करवा दूंगा इनके इदारे में जाके। तो मैंने पैसे निकाले तो वहाँ ढेर लग गया पैसों का। उन्होंने मेरे साथ मिलके वो पैसे सीधे करना शुरू किए, वो जो नोट थे मुड़े तुड़े से वो सीधे करते जाते थे और मैं भी सीधा करता जा रहा था। तो जब पैसे इकट्ठे हो गए, 4,000 रुपये इकट्ठे हो गए, तो काफ़ी सारी वो गड्डियाँ बन गई उसकी। कह लगे लड़के अब तुम परेशान हो गए कि इसको बैंक में जाओगे जमा करवाओगे तो तुम्हारा मजाक उड़ेगा, तुम ये चंदे के भीख के पैसे लेके आ गए हो, तो लाओ मैं तुम्हारी मुश्किल हल करता हूँ। वो पैसे लेके बाहर गए और एक दुकानदार से उन्होंने बड़े नोट ले लिए उसकी जगह पे। मैं पैसे लेके बैंक चला गया, फीस जमा करवाई, कुछ जान बचान आई, सुकून सा हो गया कि फीस जमा हो गई। घर गया तो माँ जी ने दरवाज़ा खोला, कहने की फीस जमा हो गई। मैं कह जी हो गई। कितनी फीस जमा करवाई? मैंने कहा 4,000 रुपये। तो पैसे कहाँ से लिए? मैंने कहा वो रात को आपने पैसे दिए थे, वो मैंने जमा करवाए। कहती वो जो पैसों वाली किताब थी वो तो तुम घर भूल गए थे, वो तो तुम ले के नहीं साथ गए, तो पैसे कहाँ से जमा तुमने करवा दिए? दिखाओ स्लिप किधर है बैंक की। मैंने स्लिप दिखाई, स्लिप भी ठीक थी। वो बड़ा हैरान सी हुई, उन्होंने मुझे आराम से बिठाया, पूछा असल बात बताओ क्या बात, पैसे कहाँ से लिए तुमने? तो मैंने कहा जी इस तरह वो एक गाड़ी आई उसके ऊपर ईदी लिखा होता, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए तो उनके चंदे के पैसे थे, तो मैंने वादा किया था जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं पैसे वापस आपको वापस लौटा दूंगा। मैं कहने लगे अच्छा ये पैसे लो जाके वहाँ जमा करवा के आओ, देखो वो कहाँ पे तुम्हें मिलते हैं। मैं जहाँ पे मेरी ईदी साहब से मुलाकात हुई थी मैंने बहुत तलाश किया लेकिन मुझे ईदी साहब नहीं मिले। मैं पूछता पुछाता मैं वहाँ पे सुपर हाईवे पे पहुँच गया और मैंने वहाँ जाके उनके इदारे में पैसे जमा करवा दिए। सेमेस्टर हो गया, तालीम पूरी हो गई, मुझे बैंक में जॉब मिल गई। आजकल मैं एक निजी बैंक में ब्रांच मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं ईदी साहब का एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में मुझे पैसे दे दिए थे और मेरी फीस जमा हो गई थी। तो अब जब मुझे मेरी सैलरी मिलती है हर महीने तो मैं उसमें से एक मखसूस हिस्सा ईदी साहब के उस इदारे के लिए रखता हूँ और ख़ुद जाके जमा करवाता हूँ और उनका जाके शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से मेरी तालीम भी जारी रही और मुझे जॉब भी मिल गई। नाज़रीन ये जो चैरिटी जो है ये मेरा ख्याल है कि दुनिया के हर मुल्क में हर मज़हब में इसका यकसा एहतराम किया जाता है। इसके लिए ज़ात पात नस्ल रंग रूप आपका छोटा बड़ा होना नहीं देखा जाता, इसके लिए आपकी तकलीफ़ और दुख ही काफ़ी है और यही आपकी सिफारिश है। तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा चैरिटी के लिए, दुख इंसानियत के लिए और उन मजबूर लोगों के लिए भी रखिए जो आपकी मदद के आपके एहसास के ज़रूरतमंद है। और ये बात हमेशा से इसकी तारीफ़ की जाती है कि जो लोग अपनी तमाम तर मसरूफियत में से वक्त निकाल के थोड़ा सा टाइम इस इंसानियत को भी देते हैं उनका दर्जा हमेशा आम लोगों से ऊपर ही रहता है। आपके लिए जहाने हैरत में ये आज के एपिसोड का वक्त ख़त्म होता है। इमाम जयंती ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप जहाने हैरत देख रहे हैं और प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे प्रोग्राम के जो एपिसोड्स हैं वो आप तक पर वक्त पहुँचे और हमारे जो दूसरे जो प्रोग्राम है वो भी आप तक उसके नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। इसके अलावा एंड्रॉयड और एप्पल के लिए आपके लिए एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी गई हैं और ये एप्लीकेशन इफ्तखार बुक डिपो की जानिब से लॉन्च की गई हैं। तसल्ली कर लीजिए, आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं वो इफ्तखार बुक डिपो की जानिब से ही लॉन्च की गई है और यही ओरिजिनल है। ओरिजिनल एप्लीकेशन को सपोर्ट कीजिए और जाली एप्लीकेशन को रिपोर्ट कीजिए। इसके अलावा आप वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, www.imamejantri.com पे आप विज़िट कर सकते हैं और बेशुमार नई चीज़ें भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए हम सबका अल्लाह ने के बाद।